बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक सूरह यूनुस पर है। सूरह यूनुस कुरान मजीद की 10वीं सूरत मुबारका है। ये मक्का में नाजिल हुई, तरतीब नजूली के एतबार से ये 51 नंबर पर है। इस सूरत का नाम मशहूर पैगम्बर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए थे। उनका ज़माना 784 ता 860 कबल मसीह के दरमियान है। उनका क्याम नैनवा का मशहूर शहर था जो 60 मील तक फैला हुआ था। उनके खंडरात आज भी दरिया दजला के मशरकी किनारे पर शहर मुसिल के करीब पाए जाते हैं। इस सूरत मुबारका में 11 रुकू और 109 आयात हैं। सूरह यूनुस में जो अहम मौजूआत बयान किए गए हैं उनमें बुत परस्तों के उस ईमान को जुटलाया गया है कि बुत उनकी शिफात करेंगे, ये उनकी भूल है। कुरान पाक वाहिद अल्लाह का कलाम होने और किसी की तख्लीक ना होने का जिक्र है। अच्छे वक्तों में अल्लाह को ना भूलने और तकालीफ में सब्र करने, बर्दाश्त करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अहवाल बयान किया गया है और फिरौन की तबाही का जिक्र किया गया है। शिर्क तर्क करके अल्लाह को एक मानने वालों की मगफरत का भी जिक्र किया गया है। उम्मीद करती हूँ सूरह यूनुस के मौजूआत जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।